बात के लिए कि आज आपने बारिश में घर से निकले भीगते हुए सर्दी में, और आपने जो अपना मकसद था, लक्ष्य था, जो आज पूरे देश में विजय संकल्प मोटरसाइकिल यात्रा, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह ने, हमारे योद्धाओं ने, नेताओं ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए आपने ना बारिश देखी ना आपने सर्दी देखी, और बारिश में आप घरों से निकले, और बारिश में घरों से निकल के बारिश में ही आपने मैम 24 अटगामा के ऐतिहासिक चबूतरे से आज मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करके आप वापस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर इसका जो समापन कर रहे हैं, ये इस बात का परिचायक है, इस बात का सबूत है कि आने वाला 2019 की लोकसभा नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, और हरियाणा की 10 सीटें हम नरेंद्र भाई मोदी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। साथियों, आज हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। कोई भी सीट विधानसभा में 10 का आंकड़े पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ है, कोई विपक्ष नहीं है। केवल हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल सुभाष बराड़ा और देश में नरेंद्र भाई मोदी अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं ने 5 नगरों निगमों का चुनाव शानदार तरीके से जीतने का काम किया, सबको दराशाई और चित करने का काम किया। उसके बाद मैं आपको विशेष रूप से मैम 24 अटगामा के भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं को इस बात की भी बधाई देता हूं कि जींद के हर गांव में, जहां कहीं मैं जाता था, शहर में, हर वार्ड में मुझे मैम 24 अटगामा के योद्धा दिखाई दिए, और आपने वहां जोरदार तरीके से जींद का उपचुनाव 13,000 वोटों से जीत के सारी पार्टियों को धराशायी करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, और वो परचम ऐसा लहराया कि आपने कांग्रेस पार्टी को जमानत जब होते होते 800 वोटों से बची, जमानत जब का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, दूसरी पार्टियां भी आपके आसपास आपको नहीं छू पाई, और उसका नतीजा आज पूरे देश में, प्रदेश में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ घोड़े की लगाम पकड़ने वाला आज देश में कोई नहीं है। पूरे देश में एक हवा चली जींद के बाद, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज जो सबसे बड़ी बधाई और सबसे बड़ा सलाम मैं उन वीरों को देता हूं, उन शहीदों को देता हूं, जिन्होंने हमारे देश पर अपनी जान को कुर्बान किया, न्योछावर किया, और सरहद पर हमने जो है दुश्मन के घर में जाके दुश्मन को ठोकने का काम किया। 400 के करीब जो बंद कराइए भाई इसमें 400 के करीब वह उग्रवादियों को हमने, उनके अड्डों को नष्ट करने का काम किया, पाकिस्तान के F-16 विमान को गिराने का काम किया, उसमें हमारे नौजवान जो शहीद हुए, हमारा पायलट जो कल पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में नरेंद्र भाई मोदी ने बेनकाब किया, पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करने का काम जो किया वो नरेंद्र भाई मोदी ने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लाचार किया, मजबूर किया, और हमारे पायलट को कल बाघा बॉर्डर के रास्ते से
सहकुशल सम्मान के साथ हमारे शेर को यहाँ देश में भेजना पड़ा। ये काम केवल और केवल पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को ठोकने का काम अगर इस देश में कोई कर सकता है तो 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र भाई मोदी कर सकता है। और नरेंद्र भाई मोदी ने ये सब कर दिखाया। आज जो है समय है ये देश गलत हाथों में ना चला जाए। ये देश जो इस देश के जयचंद है उनके हाथों में ना चला जाए। आज पाकिस्तान F-16 का जो मलबा है वो इसलिए हटाने का काम करता है कि अमेरिका ने उग्रवादियों के साथ लड़ने के लिए F-16 दिया था, उसने हमारे खिलाफ प्रयोग किया, कहा कि हमारा तो F-16 कहीं दरासाई हुआ ही नहीं, हमारे जाबाजों ने हमारे नौजवानों ने उसका मलबा तक दिखाया। 400 उग्रवादियों की रातों रात लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया, इसलिए कि दुनिया में आतंकी देश पाकिस्तान जो घोषित होने के कगार पर है, पाकिस्तान की मिट्टी पलीद ना हो जाए। और मुझे बड़ा अफसोस है हमारे देश के जयचंद राहुल गांधी जैसे नादान बच्चे आज पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आज वो भी सबूत मांगते हैं, आज वो भी पाकिस्तान की तरह से लाशें मांगते हैं। लाश अगर लेनी है तो वो जाके देखो, पाकिस्तान में जाके देखो, पाकिस्तान से तो आपकी नोंदा निंदा है, पाकिस्तान की आप भाषा बोलते हो, पाकिस्तान पर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं की ताड़ियां बजती हैं, वो जाके देखो, लाशों का हिसाब लो। इस देश पर मेहरबानी करो, आपको इस पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान में जाओ। इस देश में वही रहेगा जिसको इस देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, और राष्ट्र के प्रति प्रेम आज ये दिखा दिया इस देश ने कि देश जो है अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, ये देश दुश्मनों को उनके घर में जाके ठोकने की हिम्मत रखता है। नरेंद्र भाई मोदी ने आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जात में तिगेरने का काम किया। चाइना पाकिस्तान की तरफ बोलता था, चाइना ने भी पाकिस्तान को जो है पतली गली से निकालने का काम किया। आज पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला, उसकी बात करने वाला कोई देश नहीं है। तो आज मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ, उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ, उसी बहादुरी के साथ जिस तरह से हमारे नौजवान बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, सर्दों पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हर वक्त रहते, उसी प्रकार से आज आपने बारिश की परवाह नहीं की, आज आपने सर्दी की परवाह नहीं की, अपने घरों से मोटरसाइकिलों पर निकले, भीगते हुए निकले, और आप में भी वही जज्बा जो हमारे जाबाज सर्दों पर है, वही जज्बा लेके आज आप नरेंद्र भाई मोदी का झंडा लेके, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जिस तरह से सड़कों में निकले, इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ। आज आपने ये दिखा दिया कि ये देश झुक नहीं सकता, ये देश बिक नहीं सकता जब तक नरेंद्र भाई मोदी और उनके सिपाही हैं। इस देश की तरफ कोई गंदी नजर से देख नहीं सकता, और इस देश के अंदर के जो लोग इस देश को नीचा दिखाना चाहते, इस देश की जमीन को खरीदना चाहते, उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए आप कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके इस देश की गली गली में निकले, ये इस बात का सबूत है कि आने वाले चुनाव में अकेली भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। आज आज की जो ये मोटरसाइकिल
आज की जो है मोटरसाइकिल यात्री, आज की ये जो मोटरसाइकिल विजय संकल्प रैली, विजय के लिए आज मोटरसाइकिल लेके आप निकले, बारिश में विकट परिस्थितियों में मौसम के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आज जो निकले, आपने इस संकल्प को मजबूत किया, आपने इस संकल्प को दोहराने का काम किया, आपने इस संकल्प में विजय की, जीत की एक पूरी मुकम्मल निश्चित करने का जो आज काम किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ आप सबका। आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपका पुनः धन्यवाद करते हुए, दिल की गहराइयों से मैं 2468 गांवों के योद्धाओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, साधुवाद देते हुए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आज की ये विजय संकल्प रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आके जीत का झंडा जो आपने फहराने का काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबका, बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जोरदार नारा लगाएंगे, वो पाकिस्तान तक सुनना चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी की, भारत माता की, भारत के शहीद अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, अमित शाह की, मनोहर लाल की, सुभाष बराड़ा की, अनिल जैन की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं की, मैम 2468 गमा के योद्धाओं की, मैम 2400 की शानदार धरती की, आप सबका बहुत